चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर दी 8:30 से। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले चलती हूँ मैं किचन में और बना लेती हूँ नाश्ता। और लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो बस आप लोगों से बात करके और चली गई थी पीछे वाले गार्डन जो है ना, किचन गार्डन, उसमें मैं सब्जी कुछ लगा हुआ था तो उसको तोड़ करके लाई। बैंगन, भिंडी और नेनुआ यही निकला। और अब तो बारिश के समय में ना वो सबको हटा करके दूसरा कोई सब्जी लगा दूंगी, पर अभी फ़िलहाल जो है उसको मैं तोड़ करके लाई। और यहाँ पर आ गई हूँ, किचन को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। मैंगो शेक बनाई थी और मॉर्निंग में चाय बनाई थी, तो यही अभी तक का मेरा किचन का काम यही हुआ था। बस झाड़ू पोछा का काम हो चुका है, बर्तन भी धुल करके सूख करके तैयार है, तो इसको भी मैं रैक पे सजा दूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर ले रही हूँ और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ये वाला बीन और इसी के साथ पनीर डाल करके तड़का, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा हुआ था। तो पहले मैं यहाँ पे पनीर को, अपने घर का ही पनीर है ये मेरा बनाया हुआ, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर ली। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा और तेल डाल करके थोड़ा सा मैं गर्म मसाला डाल दी और जीरा। गर्म मसाला वही लौंग, इलायची और तेज़पत्ता नहीं था इसलिए तेज़पत्ता नहीं डाली, बस वही सब डाल करके। उसके बाद में यहाँ पे मैं दो बड़ा बड़ा प्याज काट करके रखी थी, तो इसको भी इतना ही भूनूंगी, इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी, ताकि पनीर और बीन जो है उसके साथ साथ ये प्याज भी मुंह में आए तो अच्छा लगता है इसके साथ मिला हुआ। तो बस यहाँ पर मैं प्याज और थोड़ा सा टमाटर, अदरक पीस करके रखी थी उसको डाल दी, भून ली नमक डाल करके। उसके बाद में इस तरह का हो गया, तो अब मैं सूखे मसाले डाल दे रही हूँ। सूखे मसाले में वही सब मसाला रहेगा जो कि है रेगुलर मसाला, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यही सब, तो ये हल्दी पाउडर, तो ये सब डाल करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी मसाले को, ताकि इसका जो कच्चापन है सो दूर हो जाए। और टमाटर, अदरक और प्याज जो पीस करके डाली थी वो भी अच्छे से मैं भून ली थी, बस अच्छी वाली खुशबू आने लगी थी तो ये मसाले मैं डाल दी। और यहाँ पे ये देखिए मसाला जो है सो अच्छे से अभी पक रहा है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ दो हरी मिर्च काट करके ऊपर से, ताकि खाते समय इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लहसुन डालना मैं भूल गई थी, तो बस अभी मैं लहसुन का पेस्ट डाल दी और इसको अच्छे से मैं भून ले रही हूँ भून करके। और यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ तड़का मसाला, थोड़ा सा ही डाली। और बस उसके बाद में इसको अच्छे से भून करके, और उसके बाद में यहाँ पे जो पनीर मैं फ्राई करके रखी थी उस पनीर को मैं काट करके डाल दे रही हूँ और मिक्स करके। नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, नमक का मैं नहीं डालूँगी। और इसमें जो बीन है ना उसमें भी नमक था, तो इसको एक्स्ट्रा नमक नहीं डालूँगी। बस ये मेरा नाश्ता तैयार है। और इसमें मैं क्या की थी ना कि ये देखिए फाइनल मैं दिखा दे रही हूँ, इसमें मैं क्या की थी कि ऊपर से दही डाली थी, प्याज काट करके डाली थी, बस यही नाश्ता की। उसके साथ मैं रोटी या चावल कोई चीज़ नहीं खाई, बस इसी में हम और हस्बैंड दोनों, हम लोग का यही मॉर्निंग का नाश्ता रहा। तो बस नाश्ता करके उसके बाद में चावल का तैयारी मैं किचन में करके आई हूँ, जैसे कि डब्बे में पानी डाल करके रख दी, उसके बाद में दाल को धो करके रख दी दोपहर के खाना बनाने के लिए। और आ गई हूँ अभी मैं यहाँ पे बेडरूम को क्लीन कर ले रही हूँ, तो देखी कि एक दो जाला दिखाई पड़ा तो उसको भी साफ़ कर ले रही, साथ में सोफ़ा और ये जो शोकेस है ना उसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये सब तो जैसे कि हमेशा साफ़ करती हूँ, हर हाउसवाइफ ये काम करती ही हैं, डेली का क्लीनिंग में ये सब काम होता ही है। पर फिर भी कभी कभी क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जैसे कि डीप क्लीनिंग, वही बस डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। फिर भी मैं ऊपर का जो जाला है ना, ऊपर तो जाला उतना नहीं लेकिन एक दो जाला मुझे दिखा, पर वो मैं अभी नहीं निकाल पाई क्योंकि उतना मैं पहुँच ही नहीं पाई, जिसके कारण वहाँ का जाला मैं नहीं निकाली। और इसी वजह से हस्बैंड आएंगे तो उनको बोलूँगी कि वो इसे निकाल देंगे, जाला झाड़ने वाला जो होता है ना उसे निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सोफ़ा उफ़ा को सेट कर ले रही हूँ और उसके बाद में बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी, साथ में जो भी इसको क्लीन करने का है वो सभी मैं क्लीन कर लूँगी। और अभी का झारखंड का मौसम ना बहुत गर्मी किए हुए है, बारिश तो हो ही रही है लगातार दो दिन तीन दिन करके बीच करके, और बारिश हो ही रही है। पर अभी जब फिलहाल मैं ये काम कर रही थी ना, तो डस्टिंग का काम रहने से क्या होता है ना कि आप पंखा भी नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए मैं पंखा भी नहीं चला रही थी। और इतने ज़ोरों की गर्मी हो रही थी ना कि मैं क्या बोलूँ, एकदम
अकबक अकबक लगने लगा था कि क्या करे क्या ना करे, इस तरह का गर्मी लगने लगा था। तो बस यहाँ पे मैं टेबल को भी झाड़ ली और उसके बाद इस टेबल क्लॉथ को डाल करके और अब बेड को साफ करके उस पर डाल दूंगी बेडशीट। और आप लोग की तरफ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आजकल जो मैं वीडियो में डाल रही हूँ, बहुत छोटा छोटा सा ही वीडियो डाल रही हूँ, तो कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो मैं जब लाइक करने के लिए बोलती हूँ ना तो एक दो डिसलाइक आ ही जाता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग को जो अच्छा लगे वही कीजिए। और ये जो बेडशीट है ना फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, तो कुछ लोग तो हैं कि मेरे व्यूवर्स हैं ना जो बोलते हैं कि बेडशीट बहुत अच्छा है, पर ये इसका बेडशीट का जो कलर है ना सो डिसकलर हो गया। फ्लिपकार्ट का सामान कुछ अच्छा निकलता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत ही ख़राब निकल जाता है। जैसे कि मैं 2 ठो बेडशीट मंगवाई हूँ और दोनों ही बेडशीट ख़राब निकल गया है, तो उसको भी अब रिटर्न कर दूंगी। और हस्बैंड बोलते हैं कि मैं घर खर्च के लिए पैसा लाता हूँ और तुम उसमें से सामान ले करके, और वो जो फ्लिपकार्ट का जो सामान जो रिटर्न होता है या फिर रिटर्न होता है जैसे कि चेंज होता है तो वो तो आ ही जाता है चेंज करके, पर कभी कभी होता है ना कि रिफ़ंड करना होता है पैसा, तो वो मेरे अकाउंट में जाता है। हस्बैंड बोलते हैं कि मैं घर खर्च के लिए पैसा लाता हूँ और तुम अपने अकाउंट में पैसा डालते रहती हो, तो बहुत तेज़ हो। तो तेज़ वाली बात नहीं है, अच्छा निकल जाता है तो रख लेती हूँ, अच्छा नहीं निकलता है तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मेरा बेडरूम क्लीन हो गया है, झाड़ू और पोछा दोनों काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं जा रही हूँ, करूंगी खाना बनाने की तैयारी। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।